ये अफसोस वाली खबर है, हैरानकुन है, शॉकिंग है। पाकिस्तान कहता है, उसका ये कहना है कि भारत ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, भारत ने एक बहुत बड़ा हिंदुओं और यहूदियों ने एक गेम कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद किया। MP2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, नॉर्मली हम लोग ये चीजें लेके जाते नहीं है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने जहां सेना के काफिले पर हमला किया था, तो अब इस हमले का बदला जो है वो सेना की तरफ से ले लिया। इसे APC आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैरियर है, वहां पर डिप्लॉय हुई, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह का फायर वो चीज खोल सकती है, उससे ऑब्वियसली टेररिस्ट का ठोकना तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। वरना पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को कौन मना कर सकता है यार। सुरक्षा बलों ने अखनूर में सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अखनूर में कई आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने टैंक समेत तमाम लाल लश्कर को मौके पर भेजा। एक पाकिस्तानी आर्मी का SSG कमांडो इसके अंदर था और उसकी बॉडी मिली है, जहां पर उसको अभी ठोका गया है हमारी फोर्सेस की तरफ से, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर अभी भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसी को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूं उन लोगों की आपको। अखनूर में आतंकियों ने एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी और ऐसे में ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया। अखनूर के अंदर एक 3 टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी की एक एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग करी, समझ रहे हैं आप, एम्बुलेंस के ऊपर। सुबह 7 बजे के करीब में हुआ, शिव मंदिर एरिया के अंदर अखनूर में, जम्मू कश्मीर में, जहां पर 32nd फील्ड रेजिमेंट जो थी इंडियन आर्मी की, उन्होंने कॉर्डन ऑफ करा JK पुलिस के साथ और CRPF के साथ। एक सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, वहां पर काफी एक्शन हुआ है, कुछ टेररिस्ट के खात्मा होने की बातें आई। भारत ने जवाब कुछ कम नहीं रखा। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, नॉर्मली हम लोग ये चीजें लेके जाते नहीं है। इसे APC आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैरियर है, वहां पर डिप्लॉय हुई, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह का फायर वो चीज खोल सकती है, उससे ऑब्वियसली टेररिस्ट का ठोकना तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। यहां पर फिर भी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि इनके टेररिस्ट के पास IDs होती हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, काफी कुछ होता है, तो कोई फालतू में हमको अग्रेसिव होके कोई एक्शन नहीं लेना, हमको अपने फोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है और इनको भी साथ में ठोकना है। नाउ शिवसेना के डोगरा फ्रंट ने एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट करा है जम्मू के अंदर अखनूर के मिलिट्री अटैक में, और ये बोलते हैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर कुछ विलेज डिफेंस कमिटीज के लोग भी देखे गए हैं उस कॉर्डन ऑपरेशन के अंदर भाग लेते हुए, एंड उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो भी देखिए सिविलियन है, द एंड ऑफ इट बंदूक दे रखी है उनको, लेकिन वो भी खड़े हुए हैं वहां पर अपनी जान की बाजी लगा के। दैट समथिंग दैट वी मस्ट अप्रिशिएट। इस जगह से काफी वेपन्स भी रिकवर्ड हुए हैं और पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर एक छोटा सा बेस था जिसको भी फोड़ा गया है। सुंदरबनी के एरिया के अंदर एक कुछ ना कुछ मिला है जो बेस अभी वो बस्ट भी हुआ है। यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल एरिया में जाएं तो आपको दिखेगा कि कल परसों में पाकिस्तानी काला दिवस मना रहे थे। ये कौन सा काला दिवस है कि भाई इंडियन फोर्सेज ने जो पाकिस्तानी रेडर्स थे 1947 में उनका अटैक प्रिवेंट किया था, तो ये उनके लिए काला दिवस है। ये उनके लिए काला दिवस है जब इनके रेडर्स आके कश्मीरी लड़कियों पे, जम्मू की लड़कियों का रेप कर रहे थे, उनको मार रहे थे और भारतीय सेना ने जाके उनको रोका, तो ऑब्वियसली उनके लिए काला दिवस होगा। इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने जो ज़ारा बलोच है, बेसिकली 3-4 उसके नट लूज हैं, बट नैनी केस ने बोला नो मैटर हाउ मच इंडिया ट्राइज इट कैनॉट वीकन द कश्मीरी आजादी मूवमेंट, पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट टू द कश्मीरीज। साहब ये तो आप तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, यहाँ पर तो आग लगाने का भी पूरा आपका ही है, तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग वॉट यू आर डूइंग। इट इज एब्सोल्यूट पोलिटिकल बैंकरप्सी दैट यू गाइज हैव, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई और कश्मीरी लोगों को भी जो आज भी जिनको काफी गालियां मिली है भारत के मेन स्ट्रीम से कि भैया आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बेवकूफी करते रहते हो, और उस रीजन में कई और लोग हैं जो जम्मू में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको भी जरा ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो भाई ये आप जो इन लोगों को सपोर्ट करते हो OGW बन के, और OGW अब तो टेररिस्ट ही रहता है, उनको बन के आपको समझ में आना चाहिए आप किस तरफ जा रहे हो। और जिस दिन पीठें तोड़ी गई, जिस तरह से तोड़ी जा रही है ऑलरेडी, जिस दिन आपका नंबर आया उस दिन फिर रोना मत।
के, जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे, वैसे खैर ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं ये, टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए, लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं, अगला बंदा भाग जाता है तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा यहाँ पे, हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर, इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर वन कैसे बने फिर रहे हैं। भाई आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर वन एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर वन भी कहते हैं, हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं अफसार आलम साहब वगैरह वो भी नंबर वन ही कहते हैं, तो ये नंबर वन एजेंसी कर क्या रही है, मटर छील रही है क्या, कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गए, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 के पास भेज रहे हैं, मतलब ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है, हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है जो आप लोगों ने किया, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग जो आप लोग करते रहते हैं उसमें हमें भी आना है, लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे कहीं और, मतलब वहां हूरों के पास, ये कौन सा तरीका है भाई, हमें तो पसंद नहीं। स्पीकर ऑफ द रशियन फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैथ्वियंको, इनसे मिले आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति पाकिस्तान। गुहार क्या लगाई कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। दोस्तों बड़ी ये अजीब सी बात है यार, ये बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान कहता है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है और उसका यह कहना है कि भारत ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, भारत ने एक बहुत बड़ा हिंदुओं और यहूदियों ने एक गेम कर दिया। वरना पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को कौन मना कर सकता है यार, कोई मना कर सकता है, किसी की औकात है, वो तो साजिश हो गई, साजिश के चलते पाकिस्तान रुक गया, वरना पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर होता। पाकिस्तान के घाव जो है ना, ये ब्रिक्स वाला घाव है, इसके अंदर नमक छिड़का है किसने? अब दोस्तों सऊदी अरब, ईरान, एथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इनमें से किसी के पास न्यूक्लियर बम तो है नहीं, ईरान के पास भी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन गए। पाकिस्तान तिलमिला गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान जो कि उम्मा का चुम्मा है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा पढ़ के बना है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें जज्बे वाली कौम रहती है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आलम इस्लाम का किला है यार पाकिस्तान, हल्का समझते हो तुम लोग, यहां पे दो दो कौड़ी की अर्जेंटीना और ईरान को तुम बना रहे हो, तुम पाकिस्तान को नहीं बना रहे, ये तो साजिश है। अब यह साजिश हो गई तो पाकिस्तानी गए हैं, इनका राष्ट्रपति गया है भीख मांगने रशिया से कि यार किसी तरीके से हमें ब्रिक्स में शामिल कर लो यार। अच्छा दोस्तों फनी बात यह है, मजाकिया बात यह है कि जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स इज फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो भिखारियों का कोलेशन नहीं है, वो उन इकोनॉमीज का, ये ब्रिक्स बेसिकली गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने टर्म कॉइन करा था ब्रिक्स कुछ समय पहले, और उन्होंने बोला था ये जो कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, शुरू में ये चार ही थे, BRIC ब्रिक था ये, बाद में साउथ अफ्रीका आ गया तो ब्रिक्स हो गया, ये जो 4-5 देश हैं, 5 देश मिला के आप समझ लीजिए, ये दुनिया को लीड करेंगे, ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं बड़ी तेजी से, बहुत
तेजी से रफ्तार से ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं और ये दुनिया को लीड करेंगे। इनका नाम है ब्रिक्स। जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं इंडियन यूथ के लिए। 90,000 सालाना वीजा अनाउंस किए गए हैं इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। इससे पहले हमने देखा कि यूएई ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। जो भी इंडियंस यूएई जाना चाहते हैं अब उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूएई उन्हें वीजा ऑन अराइवल देगा। सऊदी अरेबिया ने भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीजा दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। कि जर्मनी ने जो है स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल के जो वीज़ाज़ हैं उनकी तादाद 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर साल हम 90,000 इंडियन स्किलफुल जो प्रोफेशनल हैं उनको वर्क वीज़ा देंगे, वो आएँ और जर्मनी में आके काम करें। पहले ये तादाद 20,000 थी जो बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है, क्या कहेंगे इसमें? यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है, जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट है ना वो रटारिज्म नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इलम है उसको ज़माने के जो अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आए, स्किलफुल लेके आए। अब जर्मनी की बात करनी है, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप्ड कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के, जो सीईओ हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपये आपकी डिग्री पर पड़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो से हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री तक जाते नहीं, जैसे सीए एसीसीए। यहाँ पे देखिए ना, रट्टा सिस्टम चल रहा है, बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियाँ ले रहे हैं। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम यूएई की बात करें तो रिसेंटली यूएई ने जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी फॉर द लाइफ टाइम। जी, अब मैं आपको ये बात होता है, मेडिकल हम प्रोफेशन में जाएं, हाँ। अभी तक पाकिस्तान 2024 एंड होने वाला होगा, हाँ। ठीक है ना, हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा, जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन हैं उनके जो उनसे सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं, उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई है। यूएई में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं।